घंटे के जाम में फंस गए स्कूली बस, सब परेशान हो गए स्कूली बच्चे, यात्री परेशान। लगन का वक्त, पूरे ओवरब्रिज पर सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि लंबी कतार बसों की, छोटे बड़े वाहनों की। जो जानकारी मिल रही है, टीडी कॉलेज चौराहा से लेकर चित्तू पांडे रेलवे स्टेशन होते हुए, कदम तर होते हुए पूरा दुभड़ तक जबरदस्त तरीके से वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है जाम में। उसी तरीके से सिविल लाइन से लेकर हनुमानगंज तक वाहनों की लंबी लाइन। स्कूली बच्चे परेशान हैं, बच्चे कह रहे हैं, सारे बच्चे अपने मम्मी पापा को लेकर याद कर रहे हैं कि पापा जल्दी आइए, हमें स्कूल बस से ले जाइए। जाम में फंसा हुआ अधिवक्ताओं का जाम अब टीडी कॉलेज चौराहे पे देख सकते हैं। बच्चे इतने परेशान हैं, यात्री परेशान हैं। बगल में रोडवेज है, रोडवेज के बसों में यात्री बैठे हुए हैं। कहीं किसी को सिकंदरपुर जाना है, किसी को बेलथरा जाना है, किसी को और नगरा जाना है, सभी लोग बस में फंसे हुए हैं। और तो और प्राइवेट वाहनों से चलने वाले जो नेता व्यवहार से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वाले वो लोग भी जाम में फंसे हैं। मरीजों की तो बात छोड़ दीजिए, एम्बुलेंस की तो किसी तरीके से बाहर निकल गए, मरीज बाहर निकल गए, लेकिन आम जनमानस आज भी जाम में, अभी भी जाम में फंसा हुआ है। बिजली विभाग में काम चल रहा है, लाइन जहाँ तक बताई जा रही कि 4 बजे तक बिजली आएगी, लेकिन अधिवक्ता यहाँ जिस तरीके से धरना पे बैठे हुए हैं, ओवरब्रिज पूरा जाम है, रोडवेज पूरा जाम है, चारों तरफ पूरा जाम भरा हुआ है। हम ये अपने वीडियो के माध्यम से बस इतना ही बता रहे हैं कि जाम के झाम में फंस गया पूरा शहर। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।